हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपको लेटर्स सिखाने वाले हैं, वो भी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के हेल्प से। आपको याद है हमने स्टैंडिंग लाइन कैसे बनाया था? ऐसे दो डॉट किया और फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया लाइन, जिससे स्टैंडिंग लाइन बन गया। और यहाँ से यहाँ पे ऐसे डॉट डाल के इस तरह ड्रॉ करने पे स्लीपिंग लाइन बन गया है। तो आज हम फर्स्ट लेटर जो सीखने वाले हैं वो है लेटर एल। उसके लिए आपको ऐसे तीन डॉट बनाना है। ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से यहाँ स्लीपिंग लाइन। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन। ऐसे हमने क्या बनाया है? लेटर एल। अभी जो नेक्स्ट है वो है लेटर टी। उसके लिए आपको ऐसे तीन डॉट ड्रॉ करना है। ये देखिए, स्लीपिंग लाइन और ये है स्टैंडिंग लाइन। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए, स्लीपिंग लाइन और यहाँ से यहाँ ऐसे स्टैंडिंग लाइन, जिससे हमारा लेटर टी बन गया। अभी जो नेक्स्ट लेटर है वो है आई। तो उसके लिए आपको फोर डॉट डालना है। ये देखिए, ऐसे ट्रेस करना है, स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, जिससे लेटर आई बनता है। ये देखिए, अगेन चार डॉट, स्लीपिंग लाइन और ऐसे स्टैंडिंग लाइन। ओके, अभी जो नेक्स्ट लेटर है वो है लेटर एच। अगेन उसके लिए आपको फोर डॉट्स बनाना है और ऐसे स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से स्लीपिंग लाइन। चाहिए तो आप डॉट्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ऐसे स्टैंडिंग लाइन और इस डॉट से इस डॉट तक स्लीपिंग लाइन। ओके, अभी जो नेक्स्ट लेटर है वो है लेटर ई। उसके लिए ऐसे तीन डॉट डालना है, 4 5 6, ऐसे सिक्स डॉट करना है आपको। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, स्टैंडिंग लाइन और इस तरह स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्लीपिंग लाइन और ये है फिर से एक स्लीपिंग लाइन। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर से स्लीपिंग लाइन। अभी जो नेक्स्ट है लेटर एफ, उसके लिए 1 2 3 4 5 डॉट्स। ओके, यहाँ से यहाँ स्टैंडिंग लाइन और इस डॉट से इस डॉट तक स्लीपिंग लाइन। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, तो इस तरह हमने लेटर एल टी आई एच ई एफ सीख लिया है। तो बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो और जल्द से जल्द हम नेक्स्ट लेटर भी लिखना सीख लेंगे। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।